तो इस तरीके से बुल राइडिंग अपनी चल रही है और यहाँ से इसका कंट्रोल होता है सारा। सारे करेक्टर्स जो जो यहाँ पे लगे हुए हैं इस तरीके से मोहतरमा खड़ी हुई है, और अगर इनके आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है अपने जिनी भैया हैं, तो यहाँ से सारे जो वेलकम्स के लिए यहाँ पे जितने भी हैं अपनी। ऐसे लगता है सुबह ना पराठे में रख के कोल्ड क्रीम खाती है ये लड़की, इतनी गोरी है। शादी होगी तुम्हारी? शर्म तो आना रही होगी। अरे ब्रज की टेस्टिंग करो बस हल्की सी, बस सही है सही है। बस उसमें बैठेगी गैया वाले पे तो गिर जाए, गिर जाएगी वहां से। तो उत्तर वाले में बैठूंगी किसमें। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए गेमिंग व्लॉग में। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। आज जो आ रही है काफ़ी सारी गेम्स वगैरह लगाने वाले हैं। और सबसे पहले कहता हूँ कौन कौन सी गेम है, ये देखो पीछे जो रखी हुई है हमारे बुल राइड जो कि अभी यहाँ पे लगेंगे। उसके अलावा काफ़ी सारी गेम्स वगैरह हैं और सुबह का टाइम है, इस तरीके से यहाँ पे अभी पार्टी होने वाली है स्टार्ट। ये टेंट वगैरह जितने हैं यहाँ पे सारा अभी प्रोग्राम जो भी है स्टार्ट होगा। तो अभी जो है अपना गेमिंग वगैरह अपनी फिट कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से पूरा गेमिंग जोन का एरिया को अभी बनाएंगे। तो इसी टेम्पो में सारा सामान लोग आया था अपना गेम्स का, और ये अनलोडिंग हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से टेम्पो आया था और सारा सामान इसी के ऊपर ट्रोले पर रख के अपना गेमिंग जोन का जो एरिया हम बना रहे हैं है ना, वहाँ पे अपना उसको हम सब लेके वहाँ पे अभी सारी फिटिंग वगैरह करेंगे। और काफ़ी सारे देखो आप देख रहे हो ट्रक्स वगैरह काफ़ी सारे खड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी पार्टी है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी जो है अपना ट्रैम्पोलिन को फिट कर रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर अपना ट्रैम्पोलिन लग रहा है और यहाँ पे पूरा एरिया काफ़ी बड़ा ट्रैम्पोलिन है ये। तो इस तरीके से ये सारे इनके जो होते हैं पिलर्स वगैरह होते हैं और बीच में जो है अपना यहाँ पे बच्चे कूदते हैं। उसके साथ मैं आपको आगे दिखाता हूँ यहाँ पे अपनी बुल राइडिंग जो है उसका यहीं पर ही है ना, यहीं पर सेटअप किया जाएगा। इस तरीके से बुल राइडिंग होगी, ये सब अपना फूल जाएगा और इसी के बीच में ये जो है यहाँ पर जो अपनी ये बुल रखी हुई है इसको यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसके ऊपर बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस तरीके से। और ये सारा एरिया जितना भी है अभी अपना गेम जोन बनाया जाएगा एक एक करके। अभी इनमें भी टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इसमें सबसे पहले इन सबको ही इंस्टॉल किया जा रहा है। हल्की टेस्टिंग करो बस हल्की सी, बस सही है सही है, बस सही है, बस ठीक है। तो अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पे जैसा सेटअप लगा हुआ है इस तरीके का, ये सारा अपना जो भी फंक्शन है इस तरीके से होने वाला है। ये सामने स्टेज है, जो भी परफॉर्मेंस वगैरह होगी यही होगी। और यहाँ पर जैसे कि सारी तरफ आप देख रहे हो सारा खाने का स्टॉल है इस तरीके से ये जो है, और ये पूरा एरिया है इस तरीके से। यहाँ पे जो एंट्री करते हैं इसी की तरफ जो किड जोन हमने बनाया है वो यहीं पर ही है, इस किड जोन का एरिया। तो फाइनली जो है अपना सेटअप पूरा रेडी हो चुका है, गेस्ट वगैरह सारे आ चुके हैं और अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके का अपना सेटअप बना हुआ है। इस तरीके से अपनी हैमर है, साथ में इसकी अपनी कार रेस, बाइक रेस, और यहाँ पर दिखाता हूँ बुल राइडिंग के सबसे ज़्यादा बंदे इंजॉय कर रहे हैं, जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी अपने है ना आए हैं, जो भी जितने बच्चे वगैरह सभी बड़े भी हैं, सारे सारे के सारे बुल राइडिंग को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस तरीके से चल रही है। और वहाँ पे अपनी बास्केटबॉल, उसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। यहाँ पे लगा हुआ है अपना मिक्की माउस, इस तरीके का लगा हुआ है यहाँ पे मिक्की माउस, और यहाँ पे अपनी है एयरो की, और यहाँ लगाएंगे अपना गन शूटिंग इस तरीके से है, जिसमें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं अपना जो भी शूट कर अपना निशाना वगैरह लगा के, ये देखिए इस तरीके से है। और वहीं पर ही आपको आगे लेके चलता हूँ, ये रही अपनी एयरो की। और सामने जो अपना ट्रैम्पोलिन है यहाँ पे बच्चे अपना जंपिंग वगैरह करके एंजॉय कर रहे हैं। और गैस धीरे धीरे करके जैसे जैसे थोड़ा शाम होगी गेस्ट वगैरह आना स्टार्ट होंगे तब और भी ज़्यादा एंजॉय होगा। और यहाँ पे हमारे जो बैलून वगैरह है इस तरीके से यहाँ पे फुलाए जा रहे हैं, यहाँ पे सारा इस तरीके से बैलून वगैरह है, इन्होंने मेकअप वगैरह अपना कराया, बहुत अच्छा मेकअप कराया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सारे करेक्टर्स जो जो यहाँ पे लगे हुए हैं इस तरीके से। अरे वाह कितना ज़बरदस्त नमस्ते कर रहे हैं ना, क्या बैलेंसिंग है इनकी इस तरीके से है। और सही पर ही आगे सामने चलते हैं, तो इन तरीके से मोहतरमा खड़ी हुई है, और अगर इनके आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है अपने जिनी भैया है ना, और आगे चलते हैं, ये वेलकम के लिए हैं सारे। और यहीं पर ही अगर आगे देखते हैं तो एक करेक्टर हमारे ये भी हैं, बिल्कुल स्टैचू बन के जो बैठे हुए हैं इस तरीके से। और वहीं पर ही और दिखाता हूँ जो मैं, तो यहाँ से सारे जो वेलकम्स के लिए यहाँ पे जितने भी हैं अपनी रशियन गर्ल्स जो है जिनको यहाँ पे लगाया गया है इस तरीके से है। और यही अपना एंट्री गेट है, यहीं से सब एंट्री करेंगे। एक बार मैं एंट्री की तरफ लेके जाता हूँ आपको, और वहीं से ही फिर अपना है ना दिखाता हूँ किस तरीके से एंट्री का सिस्टम है इस तरीके से है। ये देखिए ये सब अपना एंट्री गेट पर जो वेलकम करते हुए जो भी हैं गर्ल्स वगैरह, और आगे चलते हैं यहाँ पर आ जाते हैं एक इधर से। तो और आगे जो है ये सारे अपने करेक्टर्स वगैरह हैं जितने भी हैं इस तरीके से,
और ये है अपना सारा एंट्री करने के बाद में जितना भी फूड जोन एरिया है इस तरीके से है। तो अभी थोड़ा इशू हो गया, लाइट चली गई है यहाँ पे और सारी अपनी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो भी गेमिंग मशीन है इस तरीके से बंद हो चुकी है अभी। तो लाइट का कनेक्शन अभी आई थिंक सब पीछे से कुछ इशू आ गया है, तो इस तरीके लाइट जो है सब ज़्यादा ये अपना फुल है, ये भी अपना बंद हो चुका है। तो फाइनली अभी लाइट आ चुकी है और सारे इक्विपमेंट अपने दोबारा से चालू हो चुके हैं। इस तरीके से बुल जो है अपना फिर से ब्लोअर के साथ में फूल रहा है इस तरीके से, ये देखो किस तरीके से फूला जाता है ये। और वहीं पर अगर मैं आगे दिखाता हूँ मिक्की माउस भी अपना रेडी होने वाला है बिल्कुल ही, इस तरीके से देखो रेडी हो रहा है। और ये अपना बुल तो पूरा रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इस तरीके से मिक्की माउस है जो कि बस अपना फूलने ही वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लोअर में हवा ज़्यादा लगती है, थोड़ा टाइम लगता है फूलने के लिए। इस तरीके से हो गया रेडी अपना, ये अपना बिल्कुल खड़ा हो चुका है फिर से, बच्चे तैयार है इसके साथ में फिर से खेलने के लिए। तो इस तरीके से बुल राइडिंग अपनी चल रही है और यहाँ से इसका कंट्रोल होता है सारा, इसे स्पीड बढ़ रही है, गिराओ कैसे गिराओ। अब देखो हिलने लग गया, उन्होंने बटन दबाया और ये गिरेगा बच्चा, धड़ाम है और सारा ये अपने हाथ में कंट्रोल होता है किस तरीके से। ये मशीन है पूरी, लेफ्ट राइट होता है इधर से और यहाँ पे रेस देने के लिए बटन है, लेफ्ट राइट के लिए ये है। अब फिर से जिस तरीके से दोबारा दिखाता हूँ बच्चा जिस तरीके से बैठ रहा है यहाँ पे, इन्होंने देखो बटन दबाया, अब मैं पीछे से दिखाता हूँ इस तरीके से। अब ये बटन अगर ये नीचे से दबाएंगे तो हिलने लग जाएगा, पूरा बच्चा गिर जाएगा, ये देखिए इस तरीके से इन्होंने दबाया बटन और ये बच्चा गिर गया। फिर सारा कुछ अपने हाथ में ही होता है, जितनी मर्जी देर तक बिठा सकते हैं बच्चे को, जितनी मर्जी देर तक मतलब जितनी जल्दी हो सके कितना गिरा सकते हैं। इस तरीके से भैया बैठे हैं अभी और अगर ये बटन दबाएंगे यहाँ से, बटन दबाइए बस, ये बटन दबा दे दिए, देखो गिरा दिया इन्होंने, सब कुछ इन भैया के हाथ में है ये और यही भैया कंट्रोल कर रहे हैं इनको गिराने और पड़ने का इन बटनों के सहारों से। परिवार का सदस्य हमारे साथ है, उन सब उनका आज मैं वेलकम करना चाहूंगा। एमा जी, जो एमा मैम मेरी मेंटोर लगती है, हमारी कंपनी की मेंटोर लगती है, हमारी ही टाउनशिप में भव्य कार्यक्रम किया है हमारे ओमेक्स के सभी साथियों ने और मैं मोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए, जो पूरे ओमेक्स के चेयरमैन हैं। और मैं आपको बहुत धन्यवाद इसलिए भी कर रही हूँ कि आपने मुझे इतना एक सुंदर सा इस ओमेक्स कॉम्प्लेक्स में मुझे भी यहाँ रहने के लिए जगह दिया है, तो इतना सुंदर सा घर मुझे बनाने का अवसर मिला एंड यू हेल्प मी अ लॉट फॉर दैट, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी होती है ओमेक्स के जितने भी लोग साथ में रहते हैं हमारे नेबर्स सर्विस से, तो दे आर ऑल वेरी वंडरफुल पीपल, मैं रोज सुबह मिलती हूँ सबको, फिर तो बाय बाय करती हूँ सुबह मॉर्निंग में, वेरी नाइस, दे आर ऑल एक्सट्रीमली नाइस एंड हैप्पी विथ मी एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ यू। और ओमेक्स का ये कॉम्प्लेक्स इतना सुंदर और नीट एंड क्लीन रखा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ आप सबकी, क्योंकि मैं पूरा मथुरा वृंदावन में देख रही थी कि मैं कहाँ पर घर बनाऊँ, तो मुझे खुशी है कि मैंने ओमेक्स को ही चुना और यहाँ पर रह रही हूँ और इसके लिए बहुत ही खुशी होती है। और इतना सुंदर सा ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका कंटिन्यू कीजिए, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब इन द मिडिल, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम अलोंग विद हमारे गुरु जी हैं देवकी नंदन जी। गुरु जी के लिए बहुत बहुत तालियां सब लोग। तुम्हें शर्म तो आना रही होगी, अरे ब्रज में रह के होरी के समय रह के इतने होले बोल रहे हो, तुम्हें लठना पड़ेगा भाई, अरे जोर से बोलना पड़ेगा, इतनी जोर से बोलो कि तुम्हारी आवाज बरसाने तक चली जाए, इतनी जोर से बोलो तुम्हारी आवाज दाव जी तक चली जाए, इतनी जोर से बोलो तुम्हारी आवाज शनि देव तक चली जाए, इतनी जोर से बोलो तुम्हारी आवाज झाड़ी वाले हनुमान जी तक पहुंच जाए, धीरे बोलो जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो तुम्हारी आवाज द्वारकाधीश तक चली जाए। हेमा जी और क्या हमारी जान लोगी, हमने यहाँ बैठे बैठे खड़े कर, तो यहाँ से लंबी लाइन लगी हुई है किस चीज के लिए, हमारे वीआर के लिए। इस तरीके से यहाँ पे वीआर चल रहा है और सारे बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं वीआर को। देखा, फिर हमें कहते हैं हम रेसिज्म की बात ना करें,
हमारे मुंह पे कुछ भी लगा लो नहीं चल रहा, हमारे मुंह पे तो फिल्टर भी नहीं चल रहा। नहीं आपके लिए भी फ़ारेनहाइट जमाती है, खरीद के देखो। मुझे पता क्या लगता है, इसको देखो आप, ऐसे लगता है सुबह ना पराठे में रख के कोल्ड क्रीम खाती है ये लड़की, इतनी गोरी है। शादी होगी तुम्हारी? नहीं मेरी शादी होगी। तुम्हारे वहाँ पे बॉम्बे में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स हैं, इतने लोगों को तुम जानते हो। तो यहाँ पे जो है बच्चों या बड़े हर कोई इन गर्ल्स के साथ में जिन्होंने इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, सभी अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और यही मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इनके साथ में, बच्चे हों या बड़े हर कोई इंजॉय कर रहा है अपनी सेल्फी ले के। तो अब जो है टाइम आ चुका है वाइंड अप का, पार्टी जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और साथ ही अपना गेम जोन का एरिया भी हमने पूरा पैकअप वगैरह कर लिया है, इस तरीके ट्रैम्पोलिन वगैरह सारी चीज़ें उतार कर वापस अपना टेम्पो में लोड करेंगे और उसको वापस लेके जाएंगे और इस तरीके से पार्टी वगैरह सारी ओवर हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अब सारा पैकअप वगैरह हो रहा है, स्टेज वगैरह उतर रहे हैं और हम भी अब बस वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। टेम्पो वगैरह लोड हमने कर लिया है और इस तरीके से सारा जितने भी गेस्ट वगैरह हैं सारे जा चुके हैं और सारा खाली हो चुका है। नाम बता अपना, अपना नाम बता। आसिफ, सबका नाम सब बोलते रहो अपना नाम। आसिफ, पार्वती, गाड़ी का भी पास है लगा लो। नाम क्या है? लल्ला। लल्ला, गाड़ी का भी अपना बता। देखना भी कौन कौन सी गेमें खेलनी है। मुझे मोटर राइड। तो नीचे बैठो, अभी थोड़ा खिलाने, नीचे बैठ, नीचे बैठे सारे। अभी उसमें बैठेगी गैया वाले पे तो गिर जाए, गिर जाएगी वहां से। तो किसमें? उतर या स्कूटर? नहीं उधर। अच्छा उधर वाले में, उधर। अच्छा मुंह में क्या डाला हुआ है? मुंह में क्या है? कहाँ पे रहते हो? अच्छा ये लड़ो मत। कौन सा गुटखा खाता है? मीठा वाला खाते स्कूल। कौन कौन जाता है? कौन कौन सी क्लास में? मैं तो गांव में पढ़ती हूँ। अच्छा नाम भरवाना है? भरवाना है। तो होली खेली यहाँ पे? नहीं खेली। होली खेलने आना है। होली खेलने आए हो? हाँ। तो वो लड़का कौन है पीछे जो खड़ा? खेल के फिर हम जाएंगे मंदिर, जाएंगे मंदिर जाएंगे। अच्छा फिर वहाँ से करोगे? फिर हमारी दीदी। अंकल हम जा रहे हैं। कहाँ पे? अभी नहीं जाना, अभी चालू होगी तब जाएंगे सारे। मैं तो तट वाले भी जाऊंगी। मैं तो तट वाले